इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम के जितने पेशेंट्स होते हैं उसमें से लगभग 30% 30% फीमेल्स को ट्यूबल इनफर्टिलिटी होती है। ट्यूबल इनफर्टिलिटी यानी कि क्या? ट्यूब्स का बंद होना। आपकी बच्चेदानी और आपके अंडाशय को कनेक्ट करने वाली, जिसमें कि ओवरी से जब एग ओवुलेट होता है तो फेलोपियन ट्यूब में आता है एंड वहीं स्पर्म से फर्टिलाइज होता है और भ्रूण बन के वो यूट्रस में जाके रोपित होता है। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब साहिली चैनल। फैलोपियन ट्यूब्स गर्भ नलिका का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है बेबी प्लानिंग में, क्योंकि ओवरी से जब एग निकलता है, ओविलेशन होता है, तो वो ट्यूब्स में आ जाता है। ट्यूब्स एक पाइप जैसी संरचना होती है, हॉलो होती है बीच में से, और एग उसमें आता है, स्पर्म भी ट्रैवल करके ट्यूब में आते हैं, वहीं एग को फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइज्ड एग वहीं से ट्रैवल करके ओविलेशन के 6 से 10 दिन के बीच में यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन ट्यूब्स अगर ब्लॉक हों, यानी कि ट्यूब्स जो कि बीच में से खुली होनी चाहिए पूरी तरफ, किनारों पर से भी और बीच में, उसमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो, या तो दबी हुई हो, चिपकी हुई हो, यानी कि ट्रैवल करने का पैसेज नहीं हो, तो ऐसे में कंसीव नहीं हो पाता। आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे आप IVF कराएं और या आप सर्जरी कराएं, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है जांच के लिए आपको HSG कराना। HSG एक टेस्ट होता है, बहुत कम इन्वेजिव होता है, 1-2 टांके आते हैं और 2 या 3 दिन में आप रिलीव हो जाते हैं हॉस्पिटल से। तो HSG टेस्ट में आपके यूट्रस में फ्लूड भरा जाता है जिसमें डाई होता है, वो ट्यूब्स तक पास होके जाता है और एक्सरे से देखा जाता है कि क्या वह फ्लूड ट्यूब से पास हो रहा है। अगर हॉलो होगी, खाली होगी, ट्यूब हेल्दी होगी, तो आपको एक्सरे में डिटेक्ट हो जाएगा। अगर ट्यूब में कहीं प्रॉब्लम होती है तो आपको HSG में पता चलता है। तो अगर आपको ट्यूब रिगार्डिंग इश्यू, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, नहीं कंसीव हो रहा, तो आपको HSG करवा लेना चाहिए। डर की बात नहीं है, जो जांच आवश्यक है उसे करवाना जरूरी है ताकि आप उसके लिए उपाय कर सको, उसका इलाज ले सको। तो हम जानेंगे कि कौन से ऐसे कारण है जिससे आपकी ट्यूब खराब हो जाती है। उन कारणों पे आपका भी कंट्रोल है, इसलिए बता रही हूँ ताकि आप उसको समझ लें और उसको बचाव के उपाय करके रखें कि भाई ये कारण मेरे शरीर में नहीं पैदा होने चाहिए। नंबर 1 रीजन होता है इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस। आधे से ज्यादा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस में सिम्टम नहीं आता। बार बार वजाइनल इन्फेक्शन आपको हल्का फुल्का लगे वो ठीक हो जाएगा, आप समझे कि ठीक हो गया, लेकिन वो अगर डीप तक रहा या बहुत लंबे समय तक रहा, बिना सिम्टम के तो लंबे समय तक रह जाता है, पता ही नहीं चलता पेशेंट को, तो ऐसे में वो आपके यूट्रस और आपकी ट्यूब्स को खराब करता है और ब्लॉकेज का कारण होता है। इसके अलावा कोई पहले एक्टोपिक हुई हो या ट्यूब में कोई सर्जरी हुई हो, कई बार एंडोमेट्रियोसिस यानी यूट्रस की टिश्यूज ग्रो करती हैं, अगर वो फेलोपियन ट्यूब के आसपास ग्रो कर जाए तब भी ब्लॉकेज हो जाता है और तब भी कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो डाइट से एंडोमेट्रियोसिस की ग्रोथ को कम करने के उपाय आ चुके हैं साइंस में। आंवला, मोरिंगा इसका बहुत ही प्रभावी उपचार है, जो नियमित लेते हैं उनके ग्रोथ जो होती है टिश्यू की वो रुक जाती है। आप भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें हमारा डिटेल वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर हम टेक्निक्स की बात करें कि मेडिकल साइंस में इस ट्यूब्स को खोलने के लिए क्या टेक्निक है, कि अगर ट्यूब ब्लॉकेज है तो मेडिकल साइंस में ट्यूबल कैनुलेशन किया जाता है, जिसमें चीड़ फाड़ नहीं होता, आपके वजाइना से इंस्ट्रूमेंट एंटर कराया जाता है और ट्यूबल कैनुलेशन से हल्की फुल्की ब्लॉक ट्यूब को खोलने के प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें इन्फेक्शन के रिस्क रहते हैं, कई बार इन्फेक्शन हो सकता है। कई लोग IVF की सलाह देते हैं, कई लोग सर्जरी की भी सलाह देते हैं, लेकिन जो लोग होम रेमेडी में इंटरेस्टेड हैं, वो जो चाहते हैं कि ट्यूब ओपन करने के लिए क्या कोई तरीका है, जी हाँ, इन्फेक्शन को भी दूर कर सकते हैं एंड आपकी लाइफ स्टाइल से ट्यूबल ब्लॉकेजेस में अच्छे नतीजे मिले हैं अब तक हमें। करना क्या होता है, सबसे पहले डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाने हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट यानी कि कुछ ऐसी अमेजिंग टी, रास्पबेरी टी या जो भी फर्टिलिटी के लिए चाय होती हैं, आप उनको यूज कर सकते हो, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हो, आपके डाइट में फल और सब्जियों को बढ़ा सकते हो। ओबेसिटी भी काफी केसेस में रहती है, तो आप अपने वेट को कंट्रोल करें, फैट रिड्यूस करें, जो एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करने की कोशिश करें। इसके लिए हमारे आप सप्लीमेंट्स और डाइट को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, यानी कि एक्टिव रहना, योगा करना बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। कई केसेस में जिनके एक ही फंक्शनल ट्यूब होती उनको भी अच्छे नतीजे मिलते हैं, उनको भी हेल्दी प्रेगनेंसी रुक जाती है। इसके अलावा फर्टिलिटी मसाज,
आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एनर्जी के फ्लो को इम्प्रूव करता है। तो फर्टिलिटी मसाज करें गाइडेड वीडियो, उसका आप हमारा जरूर देखें और फॉलो करें। लैग अप टू बॉल पोजीशन, विपरीत करनी आसन के आने से, ओरिएंटल मेडिसिन में ये कहा गया है कि जो एनर्जी का फ्लो है वो आपके प्रजनन अंगों की तरफ बढ़ता है और इससे एनर्जाइज होते हैं, ब्लॉकेजेस दूर होते हैं। आयुर्वेद में त्रिफला चूर्ण अच्छा है, वो बॉडी के ब्लॉकेजेस को दूर करता है, जो एनर्जी के ब्लॉकेजेस हैं उनको दूर करता है। तो त्रिफला का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, उसमें भी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से योगा, एक्सरसाइज करके, शरीर की चर्बी को घटाकर, कुछ हर्ब्स और रेमेडीज को यूज करके आप अपनी ट्यूब्स को हेल्दी कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्यूब्स का एक सिरा ऑपरेट करके टाई किया हुआ है, बांधा हुआ है, तो इसका रेमेडी नहीं है ये। इसके लिए आपको रिवर्सल सर्जरी करानी चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। होप फॉर द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।